वेलकम बैक दोस्तों, आ गया हूँ मैं एक नई अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आप सभी को। काफी सारे कमेंट किए थे कि बैटमैन के 3D लोगो वाली टी शर्ट की वीडियो लेके आओ, उसकी अनबॉक्सिंग करो, उसका रिव्यू करके करो। तो भाई लेके आ गया मैं आपके लिए ये रही बैटमैन के 3D लोगो वाली टी शर्ट। तो इसी की वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने दो बैटमैन हुडीज की रिव्यू अनबॉक्सिंग डाली है, आप लोग आई कार्ड पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो सारी डिटेल में बात करने वाले हैं इसी टी शर्ट के, कैसा क्या ये टी शर्ट और कैसा क्या देखने मिलता है, इसका लोगो कम्फर्ट कैसा है, कैसी है फिटिंग और कैसा देखने मिलता है इसका लुक। तो सारी चीजें हम लोग वीडियो में चेक करने वाले हैं, तो में आप लोग बने रहिएगा। अगर आप लोग टी शर्ट परचेस करने वाले हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप लोग वहां पर जाकर टी शर्ट को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये रहा पैकेट, और इसका पैकेट देखेंगे तो ये पूरी तरह से रिसाइकल है। इसके पीछे भी देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है मेड फॉर रिसाइकल पेपर, तो ये काफी अच्छी चीज है, यहाँ पे प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया है। तो चलिए करते हैं ओपन, और इसकी पैकेजिंग भी काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। अंदर भी एक और पेपर लपेटा गया है, ये भी रिसाइक्लेबल है। और फिर रखी है हमारी यही बैटमैन की 3D लोगो वाली टी शर्ट, जो कि ऊपर से देखने में काफी ज्यादा बेहतरीन लग रही है। और साथ ही में टी शर्ट के ऊपर हमें एक द फोर स्टोर का एक कार्ड देखने को मिलता है, और साथ में इसके बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे इसके बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि लिखा गया है बैटमैन 3D लोगो टी शर्ट, साइज है इसका M, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 13 मार्च 2022, पिन कोड सारी वाली इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। आप लोग चाहे तो वीडियो को रोक के पढ़ भी लीजिएगा। और साथ में इसके यहाँ पे इसके ऊपर की साइड में देखेंगे तो यहाँ पे काफी कि बैटमैन का लोगो है, द फोर स्टोर है, और साथ में द फोर स्टोर .com देखने मिलता है, मेड बाय ह्यूमन, वॉर्न बाय सुपर हीरो, डिजायर बाय एलियंस। तो ओपन कर लेते हैं टी शर्ट को। तो ये रही हमारी टी शर्ट, ये आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कितनी ज्यादा जबरदस्त लग रही है ऊपर से ही देखने में। इसमें देखेंगे सामने की तरफ आप टी शर्ट में देख पा रहे हो, तो यहाँ पे देखने को मिलता है एक बैटमैन का लोगो जो कि है ग्रे कलर का। आप लोगों को देखा होगा ज्यादा लोगो होते हैं कपड़े के अंदर ही प्रिंट किए जाते हैं, पर इस लोगो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टी शर्ट में आप लोगों को लोगो ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग छू के महसूस कर पाएंगे लोगो को, जैसे कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ कितना ज्यादा बेहतरीन और कितना प्रीमियम लग रहा है। और उसके नीचे साइड में देखेंगे तो यहाँ पे बैटमैन लिखा गया है, और इसकी जो स्पेलिंग है वो भी 3D में है, यानी कि आप लोग उसको भी छू के तो महसूस कर पाएंगे इसे कुछ लिखा हुआ है। तो फ्रंट की साइड से टी शर्ट आप लोगों को जिस तरीके से देखने को मिलेगी, और बात करें इसके बैक साइड से तो बैक साइड से टी शर्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, और बैक साइड से जैसे कि ये टी शर्ट पूरी की पूरी प्लेन है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके कपड़े के बारे में, और जैसे कि आपको पता है अभी समर चला है, तो समर के हिसाब से हम लोग टी शर्ट काफी अच्छा प्रेफर करते हैं, और साथ में अगर टी शर्ट कॉटन की हो तो बात ही अलग है। तो इसमें यूज किया गया भाई कॉटन से भी एक लेवल ऊपर, किक एस प्रीमियम कॉटन, और इससे ऊपर भी एक कॉटन आता है, वो है सुप्रीमिया का वर्ल्ड फाइनेस्ट कॉटन। उसकी वीडियो जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। भाई इसका कॉटन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, तो उसकी वजह से इसका जो कपड़ा है वो काफी ज्यादा बेहतरीन और काफी ज्यादा रिलायबल और काफी ज्यादा कंफर्टेबल बन जाता है। और साथ ही में इसकी बात करूं मैं इसकी लुक्स ही, तो आप लोग बॉडी के ऊपर लुक्स देख ही पा रहे हो कितनी ज्यादा बेहतरीन लग रही है। साथ में इसको नीचे पहना हुआ है पेंट को, क्योंकि ब्लू कलर के ऊपर से ब्लैक कलर की टी शर्ट है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी काफी ज्यादा सही लग रहा है। तो अगर आप लोग इस टी शर्ट को परचेस करते हैं तो फिर आप लोग कुछ इस तरीके से लुक देखने को मिलता है इस टी शर्ट का। और साथ में इसका लोगो है, इसकी प्रिंटिंग बताओ तो लगा कि हल्का है, कहीं निकल नहीं जाएगा, उसको हम धोते हैं। पर मैं बता दूं जैसे कि मैं खुद इसको हाथ में लेकर फील कर पा रहा हूं, इसका जिस लोगो है मतलब इतना स्ट्रांगली इसके ऊपर चिपकाया गया है, ये इजीली निकलने वाला नहीं है। चाहे आप लोग इतना भी वॉश करेंगे या फिर आप लोग ब्रश से अगर इसको धोते हैं तब भी ये टी शर्ट का लोगो मिटने वाला नहीं है। एक्चुअली इसके लिए हमने दिए हैं 733 रुपए, तो भाई 733 रुपए में तो काफी दो तीन के 4-5 टी शर्ट मिल जाती है, पर हमने दिए हैं इस सिर्फ एक टी शर्ट के 733 रुपए, तो भाई कुछ तो बात है इस टी शर्ट में। तो चलिए आप पहन के देख लेते हैं टी शर्ट को, कैसे क्या फिटिंग देखने को मिलती है, और साथ में कैसे का कंफर्ट देखने को मिलता है इस टी शर्ट का, जैसे इसके अंदर दिया गया कि प्रीमियम कॉटन। तो चलिए देखते हैं इसको पहन के। तो लुक एट दिस गाइस, मैंने पहन लिए बैटमैन के 3D लोगो वाली टी शर्ट, और ये कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो मेरी हाइट है 5.2, तो उसके हिसाब से आप लोग किस तरीके से देखने को मिलेगी टी शर्ट की लंबाई। मैं बताऊँ अपना, तो मुझे काफी अच्छी इसकी लंबाई देखने को मिल रही है, ना ही बहुत ज्यादा लंबी है ना एकदम छोटी है, एकदम मीडियम साइज की इसकी लंबाई देखने को मिल जाती है, ये काफी अच्छी है। और जैसे कि ये टी शर्ट आती है हाफ स्लीव के साथ में, तो इसकी स्लीव की लंबाई भी हमें अच्छी काफी देखने को मिल जाती है। और बात करूँ इसके फिटिंग को लेकर, तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं ये टी शर्ट मैंने परचेस की है M साइज की, तो मुझे परफेक्टली फिट हुई है, हल्की माइनर फिर लूज है। अगर आप लोगों को वहीं हल्की भी टाइट पहनना पसंद है लाइक कुछ इस तरीके से, तो फिर आप लोग फिर छोटा साइज परचेस कर सकते हैं, और वहीं अगर आप लोगों को हल्का लूज पसंद है तो फिर आप लोग M साइज ही परचेस करिएगा। और बैक साइड से मैं दिखा देता हूँ किस तरीके देखने मिलती है, तो बैक साइड से टी शर्ट कुछ इस तरीके पर देखने को मिलेगी, और बैक साइड से तो है तो पूरी प्लेन ही, पर फिर भी काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड कराती है बैक से भी, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगती है। तो ओवरऑल टी शर्ट आप लोग कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं फिर न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।